नमस्कार प्यारे साथियों, स्मार्ट स्टडी बाय आठवण में आज की क्लास हम मिसिंग नंबर का देखते हैं। इसमें जैसे छोटे अंक से जानते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन हो गया 2, 4, 6, 8, इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, इसमें देख लो, इसमें ये सम संख्या है तो इसमें 2 का अंतर है, ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। अब ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, तो इसके बाद क्या आएगा, इसमें देख लो 2 का गैप है सब में, तो इसमें हो जाएगा 9। ठीक है, अब आपके लिए ये क्वेश्चन रहा दोस्तों, जैसे 3, 6, 5, 10, 9, इसके बाद इसमें क्या आएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये 3 × 6 हो गया, तो इसको इसमें से माइनस 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार 5 × 2 = 10 हो गया, इसमें से माइनस 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसमें 9 × 2 करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, और इसका 1 कम करेंगे -1 तो 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 12 रहेगा, 23 रहेगा, 34, 45, तो इसमें इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसको बनाना है। देखिए इसमें ये इससे कितना अधिक है, +11, इससे कितना अधिक है, +11, और ये इससे कितना अधिक है, +11, इससे +11 होगा तो हो जाएगा 56। ठीक है प्यारे साथियों, इसको देख लीजिए, इसको मिटा दूं। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जैसे 16 और 9 है, तो इसका 14 दिया है, इसमें 25 और 16 है तो 18 दिया है, तो इसमें इसको निकालना है 36, 25, इसमें क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 18, 22, 26, 30, बताइए। देखिए दोस्तों इसमें 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 का 2 गुना हो जाएगा 14, इसमें भी 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा, इसका 2 गुना हो जाएगा 18, इसमें 36 में 25 जाएगा तो 11 बचेगा, इसका 2 गुना हो जाएगा 22, तो इसमें 22 आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है 5, 11, 24, 51, 106, इसके बाद क्या होगा, ऑप्शन में दिया है दोस्तों 215, 216, 217, 218, बताइए। चलिए इसमें बताते हैं दोस्तों, इसको 5 को 2 से गुना किया गया, +1 किया गया तो 11 हो गया, 11 को 2 से गुना किया जाएगा, +2 हो जाएगा। इसी तरह इसमें 24 में 2 से गुना करेंगे 48, और 3 जोड़ेंगे 51 हो गया। उसी तरह इसमें 2 से गुना करेंगे 102 हो जाएगा, +4, 106 हो जाएगा, इसमें भी ऐसे ही करेंगे 2 × 5 तो हो जाएगा 217, तो आपका आंसर सी हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब अगला टाइप देखते हैं, जैसे यहाँ हो गया 25, 16, 9, और ये हो गया
36, 49 और 13, ये हो जाएगा 25, 81 वाट। इसमें वाट की जगह पे क्या आएगा? ऑप्शन में दिया है 13, 14, 15 और डी में है 16। तो इसको बनाना है दोस्तों, कैसे बनेगा ये देखिए दोस्तों। 25 पांच का स्क्वायर होता है और 16 चार का होता है, इन दोनों जोड़ने पे 9 हो जाएगा। 36 छह का स्क्वायर होता है और 49 हो जाता है सात का, इन दोनों को जोड़ने पर 13 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 25 पांच का स्क्वायर होता है, 81 नौ का, इन दोनों को जोड़ने पर 14 आ जाए। तो बी आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हो गया 112, ये हो गया 56, इसमें वाट, ये 14 हो गया, ये 7। तो इसमें वाट की जगह पे क्या आएगा? ऑप्शन रहा ये दोस्तों, 26, 28, 30, 32, बताइए। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए 7 का डबल हो गया 14, 14 का डबल 28 हो जाएगा। इसी प्रकार 28 का डबल 56, 56 का डबल हो जाएगा 112। तो आपका आंसर हो गया बी। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये 27 हो गया, ये 8 हो गया, ये 65, इसके बराबर में हो गया 52, ये हो गया 28 और ये हो गया 7 और ये हो गया 23। और इसमें 29 हो गया, ये हो गया 38, 5, 12, इसके बराबर में क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, तीस, 32, 35 और डी में हो गया 36, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, ये देखिए 27 है, इसको 2 × 7 करेंगे तो 14 हो जाएगा और इस 8 को इसमें जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में और इन दोनों को गुना करके इसमें जोड़ देंगे, 6 × 5 = 30, 22 × 30 = 52 हो गया। उसी प्रकार इन दोनों को गुना कर लेंगे, 2 और 8 को गुना करने पर 16 होगा, इसको जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, इसको जोड़ने पर 23 और 2 3 को गुना करेंगे 6 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। उसी प्रकार इसके 3 और 8 का गुना करेंगे 24 हो जाएगा और ये 5 जोड़ देंगे 29 हो जाएगा। 29 में ये इसको गुना करेंगे, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, 29 और 2 = 31 आ जाएगा। इसका आंसर ये हो गया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।